हम बात कर रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही हम शॉर्ट ग्लिम्स ले लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमारे पास में क्या होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप किसी दूसरी चीज को देख रहे हो, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज हमारे पास में क्या होते हैं? सपोज करते हैं ये हमने ले रखा है, कोई भी हमारे पास में एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास में क्या है? जीरो है। उस केस के अंदर अगर सिस्टम में आने वाले पार्टिकल का मोशन जो है, ये हमारे पास में पार्टिकल का मोशन, वो हमें अपियर होता है नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन आपके पास में होना चाहिए जीरो। उस केस में अगर आप इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो इस सिस्टम के साथ में ही, तो वो हमारे पास में कहलाया जाएगा सिस्टम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का मोशन आपको नॉन एक्सेलरेटेड यहां पर अपियर हो रहा है इस वजह से। अब एक्सेलरेशन अगर हमारे पास में जीरो है, तो हम यहां से इम्प्लाई कर सकते हैं कि डीवी ओवर डीटी भी हमारे पास में जीरो हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास में यहां पर हो जाती है कॉन्स्टेंट। ये चीज हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यानी कि ये तो हमने बात करी थी कि सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो आपको वेलोसिटी कांस्टेंट अपीयर होगी, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन आपको नहीं दिखने वाला है। अगर हमने ले रखे हैं हमारे पास में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि सपोज करते हैं एक हम लेके चलते हैं हमारे पास में यहां पे कुछ इस तरीके से, ये हमने ले रखा है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड, ओरिजिन हमने ले रखा है ओ। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहां पर लेकर चलते हैं हमारे पास में, दैट इज एस डैश, और ये जो हमारे पास में एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी एक्सिस ले रखी है हमने वाई डैश एक्स डैश, और यहां पर हम लेके चलते हैं हमारे पास में एक और एक्सिस आएगी जेड डैश। अब अगर हम किसी भी एक पार्टिकल को क्या करते हैं, सपोज करते हैं इस पॉइंट पी पे हमने एक पार्टिकल लोकेट कर रखा है, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से, तो यहां पर क्या होगा? इधर से अगर हम देखें तो ये हम लोगों को पोजीशन वेक्टर मिल जाता है दैट इज आर। यहां से पोजीशन वेक्टर हमें मिल जाता है आर डैश, ये हमारे पास में जेड डैश और इसका ओरिजिन ओ डैश हमने ले रखा है। अगर ये पार्टिकल आप ऑब्जर्व करते हो एस के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट्स आते हैं एक्स वाई जेड एंड टी। अगर एस डैश के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ये हमें यहां पर कुछ मिलते हैं। अगर हमारे पास में एस डैश फ्रेम इनिशियली एट टाइम हम बात करते हैं t इक्वल्स टू जीरो के ऊपर, वो इस इनिशियल पोजीशन के ऊपर था, फिर उसके बाद में उसने s के रिस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट कर दिया है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, वेलोसिटी आपके पास में रह रही है कांस्टेंट, तो यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कैसे हैं आपके पास में? इनर्शियल हो चुके हैं। तो अब हमारे पास में क्या है? ये मूव कर रहा है अलोंग टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारे पास में अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम यहां से इम्प्लाई कर सकते हैं कि वाई और जेड ये हमारे पास में कैसे रहेंगे? दे विल रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट से हमारा मतलब क्या हो जाता है कि वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड, ये वाली चीज आपको मिलने वाली है। इसको हमने यहां पर नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर ए, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इसको एक लेके चलते हैं। तो अब दूसरी चीज हमारे पास में यहाँ पे क्या आती है? सपोज करें लाइट है जो कि हम ओ से पी पे भेज रहे हैं, तो उसको ओ से पी पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर उसकी हम बात करें तो टाइम इज इक्वल्स टू, हमें पता है डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट होती है। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे पे रूट चलेगा डिवाइडेड बाय सी। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे हम इसको इनबॉक्स कर देते हैं। अब ये तो हमने बात करी थी कि अगर लाइट जो है वो ओ से पी की तरफ जा रही है, तब अगर हमारे पास में सेम रे ऑफ लाइट जो है वो ओ डैश से पी पे जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो उससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर यहां पे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसे हम यहां पे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन हमने यहां से फ्रेम करी है। अब क्योंकि हमारे पास में ये जो x और y है, ये दोनों सॉरी y और z जो है हमारे पास में, वो इनवेरिएंट रह रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास में आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी हमारे पास में इक्वल होने वाला है। हम इम्प्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स डैश स्क्वायर
प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वल होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे अब हम आगे यूज करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो क्या स्टेट करती है कि x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी होता है, इक्वेशन नंबर फोर्थ। सिमिलरली यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू गामा x डैश, यहां पे हम लोगों को मिल जाएगा प्लस v क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और यहां पे आ जाएगा t डैश, इक्वेशन नंबर फिफ्थ कह सकते हैं। अगर हम फोर्थ को फिफ्थ में यूज करें तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू गामा, x डैश की वैल्यू क्या है, गामा x माइनस वी टी प्लस यहां से आता है वी टी डैश, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको हम ओपन करते हैं, x इज इक्वल टू गामा स्क्वायर x माइनस वी टी प्लस गामा वी टी डैश, ये चीज आ जाती है। यहां से हम लोग क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, टी डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। इस चीज को यहां शिफ्ट कर देते हैं, टी डैश क्या मिल जाएगा, x माइनस गामा स्क्वायर x माइनस वी टी, ये आ चुका है। डिवाइड किससे हो जाएगा, यहाँ पे गामा v से, इक्वेशन नंबर सिक्स आ चुकी है। पहले थर्ड इक्वेशन क्या निकली थी, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड थी। हमारे पास में x डैश की वैल्यू है, हमारे पास में t डैश की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम थर्ड में रखते तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर किसके इक्वल आता है, एक्स डैश स्क्वायर यानी कि गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, माइनस यहां पे चलेगा सी स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ओवर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। अंदर हमारे पास में क्या हो रहा है, टी डैश यानी कि इस पूरी चीज का एक स्क्वायर करना है, एक्स माइनस गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, और ये पूरी टर्म का हमारे पास में यहां पे बन जाता है स्क्वायर। अब हम यहां से क्या करते हैं, वी विल कंपेयर द कोफिशियंट्स ऑफ टी स्क्वायर, तो कंपेयर करने पे हमें यहां से टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, माइनस सी स्क्वायर, ये चीज हम यहां पे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू इस टर्म का स्क्वायर होगा, सिर्फ वहां से ही हमें टी स्क्वायर मिलेगा, तो ये बना देता है गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। अगर इसको हम अंदर भेजते हैं तो यहां से हमें टी स्क्वायर मिलने वाला है, किस तरीके से, गामा रेस टू फोर, ये हो जाएगा क्योंकि इस पूरी चीज का स्क्वायर होने वाला है, और यहां से मिल जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, गामा स्क्वायर गामा रेस टू फोर कैंसिल हो जाएगा, और हमें अल्टीमेटली मिलता है माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो गामा की वैल्यू आती है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहां से हमने गामा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, एक्स डैश किसके इक्वल हो जाता है, गामा यानी कि 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, y डैश y के इक्वल, z डैश z के इक्वल, हमने t डैश की वैल्यू भी निकाली थी, तो ये हमारे पास में किसके इक्वल आ जाएगा, जब गामा की वैल्यू रख के हम पूरा सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिलता है t माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये चीज हमें यहाँ पे ऑप्टेन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक से दूसरी चीज आपको मिलना, तो अगर आपके पास में कोई भी एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल की पोजीशन और टाइम आपको एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पता है, तो आप उसकी जो पोजीशन और टाइम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में भी विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और ये कहलाई जाती है लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब यहां तक पहुंच चुके हैं हम अगर इधर देखें, हम पहले एक इक्वेशन है उसको वापस से उठाते हैं, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास में, ये वाली इक्वेशन, इसी को हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा था, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर हैं, उससे हमारा मतलब क्या है कि ये जो होगा वो इनवेरिएंट रहेगा, यानी कि ये चीज चेंज नहीं होने वाली है। सो दैट वॉज इट फॉर द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच।